ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। सोमवार से आरंभ हो रहा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में परिवर्तन हो रहा है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 3। इस सप्ताह आप अपनी हर मांग को पूरी करने के लिए बहुत कोशिश कर सकते हैं, जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। इस संदर्भ में आप इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये समय शिक्षा के लिए अनुकूल है। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उपाय नंबर 1, यदि कामों में असफल हो रहे हो या बार बार रुकावटें आ रही हो तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर 2, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 3, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। वृष राशि, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 6। आपको इस सप्ताह धन के नए साधन प्राप्त होंगे। अचानक से कहीं से धन लाभ होगा आपको। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। अपने यार दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा मेलजोल बढ़ाने के चक्कर में इस सप्ताह आपका कोई जरूरी पारिवारिक कार्य छूट सकता है। उपाय, ओम गंग गणपत्ये नमः प्रतिदिन 21 बार। उपाय नंबर 1, यदि कामों में असफल हो रहे हो या बार बार रुकावटें आ रही हो तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर 2, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 3, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। मिथुन राशि, शुभ रंग पीला, शुभ अंक 4। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं इस बार। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों को जरूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान न करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें। उपाय, प्राचीन पाठ लिंगाष्टकम का प्रतिदिन जाप करें। उपाय नंबर 1, यदि कामों में असफल हो रहे हो या बार बार रुकावटें आ रही हो तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर 2, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 3, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। कर्क राशि, शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 4। धन को संचय करके रखे आपको लाभ होगा। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा।
परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें। उपाय नंबर एक: यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर दो: यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर तीन: हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है, इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। सिंह राशि: शुभ रंग लाल। शुभ अंक एक। आपको खुद को महत्व देना सीखना होगा, अपना सोचना शुरू करना होगा। इस बार इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। उपाय: प्रतिदिन 43 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। उपाय नंबर एक: यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर दो: यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर तीन: हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है, इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। कन्या राशि: शुभ रंग गुलाबी। शुभ अंक चार। कोई बीमारी अगर पहले से ही आपको परेशान कर रही है, तो आपको लाभ होगा, उसमें इस सप्ताह राहत मिलेगी आपको। अगर आप सूझबूझ से काम लें, तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। इस बात को आपको भली भांति समझने की जरूरत होगी कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। उपाय नंबर एक: यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर दो: यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर तीन: हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है, इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। तुला राशि: शुभ रंग नीला। शुभ अंक पांच। इस सप्ताह आपको कोई अच्छी चीज खाने का मन हो सकता है, परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से 12वें भाव में बुध के स्थित होने से फलस्वरूप इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम महाकालिकाए नमः का जाप करें।
उपाय नंबर एक, यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर दो, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर तीन, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। वृश्चिक राशि, शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 8। इस सप्ताह आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिसके कारण इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। उपाय, प्रतिदिन 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। उपाय नंबर एक, यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर दो, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर तीन, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। धनु राशि, शुभ रंग पीला, शुभ अंक 7। आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ इस बार खुद पर ध्यान भी देंगे, जिसके लिए आपने बहुत तैयारी की होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं, तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आपके अंदर अचानक आए इस सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। उपाय, शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। उपाय नंबर एक, यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर दो, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर तीन, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। मकर राशि, शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 3। आप इस सप्ताह के अंत में ये महसूस होगा कि आपको धन की कमी हो रही है। यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं। इस दौरान आपके शिक्षा में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी इस बार, जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। उपाय, शनिवार के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन का दान करें। उपाय नंबर एक, यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर दो, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मीद की पूजा करें।
नंबर 3, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। कुंभ राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 1। आप इस सप्ताह के अंत में ये महसूस होगा कि आपको धन की कमी हो रही है। यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं। इस दौरान आपके शिक्षा में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी इस बार, जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। उपाय, शनिवार के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन का दान करें। उपाय नंबर 1, यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर 2, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर 3, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है। मीन राशि, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 9। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की जरूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उपाय, मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। उपाय नंबर 1, यदि कामों में असफल हो रहे हों या बार बार रुकावटें आ रही हों, तो घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें और फिर कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने इष्टर देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। नंबर 2, यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मीद की पूजा करें। नंबर 3, हर शनिवार को शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से भी राहु केतु दोष से राहत मिलती है। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में खुशहाली आती है।